यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। झांसी में आईटी का पांचवा दिन भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। सपा के पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है और पांचवें दिन भी छापेमारी की ये कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी के झांसी से बड़ी और अहम जानकारी, अब तक 9 करोड़ के गहने और कैश बरामद किया जा चुका है। पांचवें दिन भी ये रेड लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत भी हाथ लगे हैं इनकम टैक्स विभाग को। आपको बता दें कि 5 दिनों से लगातार छापेमारी की ये कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी और अहम खबर, आईटी रेड पांचवें दिन भी झांसी में लगातार जारी। सपा के पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत भी आईटी विभाग के हाथ लगे हैं। इसके अलावा अब तक 9 करोड़ के गहने और भारी मात्रा में कैश की बरामदगी की गई है आईटी की तरफ से। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत भी आईटी विभाग को हाथ लगे हैं। तो ऐसे में सपा के पूर्व एमएलसी की मुश्किलें बढ़ती हुई अब साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार 5 दिन से ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। झांसी में ये कार्रवाई की जा रही है, आईटी विभाग की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। सपा के पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। 9 करोड़ के गहने और कैश की बरामदगी की गई है आईटी विभाग की तरफ से और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत भी हाथ लगे हैं। तो यूपी के झांसी से बड़ी और अहम खबर, सपा के पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। लगातार 5 दिनों से छापेमारी की ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक 9 करोड़ के गहने बरामद किए जा चुके हैं और कैश भी बरामद हुआ है। यूपी के झांसी में आईटी विभाग की ये कार्रवाई चल रही है और सपा के पूर्व एमएलसी के ठिकानों पर आईटी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। अहम और बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत भी आईटी विभाग को हाथ लगे हैं। पिछले 5 दिन से कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आयकर विभाग अपनी छापेमार कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान ना तो किसी को घर से बाहर जाने की अनुमति है और ना ही कोई अंदर आ पाया है। आयकर विभाग की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 9 करोड़ के गहने और कैश बरामद किया जा चुका है। सपा सरकार के समय में एमएलसी रहे, उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तमाम जानकारी देने के लिए झांसी से हमारे संवाददाता शहजाद खान इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पिछले 5 दिनों से आईटी विभाग की छापेमारी की कार्रवाई यहां लगातार जारी है, अब तक इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ मिला है? बिल्कुल, पिछले 5 दिन से लगातार ये आईटी की झांसी के लगभग 15 कारोबारियों के घर छापामार कार्रवाई चल रही है, जिसमें सपा के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव के भाई विशन सिंह यादव, जो कि घनाराम कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, उनके भी घर और उनके तमाम कार्यालयों में आईटी का छापा पड़ा हुआ था। इसके बाद लगातार कार्रवाई लगभग 12 से 15 कारोबारियों के घर छापेमारी चली थी। इसमें ये है कि एक दिनेश शेट्टी जो सी है, माना जा रहा है कि जिन कारोबारियों के घर छापा आईटी ने मारा था, उन सभी कारोबारियों के ये सीए बताए जा रहे थे। इन इन जो दिनेश शेट्टी सीए उसी दिन से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और मॉर्निंग वॉक से घर वापस नहीं आए। कल चौथे दिन आईटी की टीम ने अपने हेड ऑफिस से परमिशन लेकर इनके घर का ताला तोड़ा और बताया ये जा रहा है कि इनके घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सारे ऐसे कागजात मिले हैं जो कहीं ना कहीं आईटी को मददगार बनेंगे। जी, और ये भी जानकारी मिल रही है कि 9 करोड़ के गहने और कैश भी बरामद किया है शहजाद। जी बिल्कुल, ये दिनेश शेट्टी के घर से लगभग 9 करोड़ का ये गहने और कैश भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक कारोबारी जो बिल्डर माने जाते हैं, झांसी के वीरन राय, उनके घर से कल टीम ने रवानगी कर ली है, क्योंकि 4 दिन हो गए थे, टीम का पूरा काम हो गया था। इसको लेकर भी वीरन राय और एक एस के जैन
जो कारोबारी है उनके घर से टीम में रवानगी कर ली। वहीं जो दिनेश सेट्टी जो सीए है उनके घर पर पिछले 5 दिन से लगातार टीम इंतजार कर रही थी। कल टीम ने जब इनके घर से परमिशन ली, अपने हेड ऑफिस से परमिशन ली, जब इनके घर के ताला तोड़ा, जब टीम दाखिल हुई तो वहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सारा कैश और सोना भी बरामद किया गया। शहजाद, क्या दिनेश सेठी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक जो दिनेश सेठी सीए हैं वो नहीं रखते जी जी। लेकिन जो जो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं श्याम सुंदर सिंह यादव और उनके भाई विशन सिंह यादव, इनके घर भी रेड पड़ी थी। इनके घर से लगभग 40 लाख रुपए नकदी बरामद बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया शहजाद आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में झांसी में लगातार आईटी रेड जारी है। अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। दरअसल आयकर विभाग ने जिन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी उनमें से कई का काम दिनेश सेठी देखते हैं। आयकर अफसरों को इस बात की उम्मीद है कि टैक्स चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज दिनेश सेठी के पास से ही बरामद हो सकते हैं और इसी के कारण उनके यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की गई और वाकई में वहाँ से टैक्स चोरी के महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।